हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला। इसके भाग एक में हमने जाना कि हमने अंकों तक यानी गिनती का क्रमिक विकास किस तरह हुआ, विभिन्न सभ्यताएं किस तरह जूझ कर गलतियां कर कर अंकों की तरफ बढ़ी, किस तरह ये जो हम आज 10 आधारित पद्धति पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे हैं, 10 को ही आधार क्यों बनाया गया गिनती का, या और कोई भी आधार हो सकता था, अलग अलग सभ्यताओं ने क्या क्या किया, क्या किस तरह के सब सिस्टम डेवलप किए, इन सब के बारे में हमने बात की थी भाग एक में। अगर आपने अभी उस भाग एक को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उसमें बारे में। और आज हम बात करेंगे क्यों विश्व में भारत की ही गिनती जिस नंबर सिस्टम हिंदू अरेबियन खोजा इसे अपनाया गया जबकि रोमन साम्राज्य पूरे विश्व में छाया हुआ था। जीरो की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी नंबर सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और आज भाग दो अंकों के इतिहास, हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला के अक्षरों की बजाय अगर हम अंकों के लिए भिन्न चिन्ह चुनते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मान ले अंकों के लिए हम बिल्कुल भिन्न अलग डिफरेंट चिन्ह बनाए, तो भारत में रहने वाले हिंदुओं ने अंकों के लिए जो सिंबल बनाए, खोजे, इजाद किए, उन्हें हम आज भी उपयोग करते हैं। आज जो अंक उपयोग करते हैं उनका रूप सैकड़ों साल पहले हिंदुओं द्वारा इजाद किए गए अंकों से काफी भिन्न होगा। पर अगर हम हिंदुओं के अंकों पर नजर डालें तो उनमें वर्तमान के उपयोग किए जाने वाले अंकों की झलक मिलेगी। आप भी इन पर एक झलक डालिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नौ अंक अपने मौलिक रूप में भारत में 2200 वर्ष पहले इजाद हुए। आपको आश्चर्य होगा कि हम हिंदुओं द्वारा इजाद अंकों का उपयोग आखिर क्यों कर रहे हैं। क्या वे चिन्हों का एक दूसरा समूह नहीं है? लोग प्राचीन चिन्हों के अभ्यस्त हो चुके थे, फिर लोगों ने उन्हें क्यों छोड़ा? आपके मन में भी ये प्रश्न कभी ना कभी तो जरूर कौंधे होंगे। अगर ये प्रश्न हमारे मन में नहीं उठते हैं तो हमारे गणित सीखने सिखाने में कुछ गड़बड़ है, उसको हमें ठीक करना है। इसलिए आप सब इस वीडियो को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ताकि अब हम खुद समझें और सीखने सिखाने वाले तक इन तर्कों को पहुंचा सकें, इस प्रोसेस से उन्हें गुजार सकें। हाँ, लोगों ने प्राचीन चिन्हों को त्याग दिया था, जब तब लोगों से बन सका उन्होंने पुराने चिन्हों का उपयोग किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया। हिंदू चिन्हों का प्रचार प्रसार दूर दराज तक इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुओं के चिन्ह प्राचीन रोमन चिन्हों से कहीं बेहतर थे। शुरू में ही हिंदुओं ने मिस्र वासियों की तरह 9 से बड़े अंकों के लिए नए चिन्ह इजाद किए। 10, 20, 30 आदि अंकों के लिए उनके पास नए चिन्ह थे और इसी तरह 100, 200, 300 आदि के लिए भी। पर तब किसी ने जरूर पूछा होगा, और ये हमें नहीं पता कि किसने पूछा कि इन सब की जरूरत क्या थी। 100 के अंक का मतलब 2 100 होता है और 20 का मतलब 2 10 होते हैं। हर बार अर्थ होता है उस चीज का दोगुना। कल्पना करें, हर बार सबसे दाईं ओर वाला अंक कितने 1 है यह दर्शाए, उसके बाईं ओर वाला अंक कितने 10 है वो दर्शाए, उसके दाईं ओर वाला अंक कितने 100 है ये दर्शाए। इस तरह प्रोसेस को आगे चलाते रहें। अब चिन्ह की औकात उसकी स्थिति पर निर्भर कर रही है। इस प्रकार सिर्फ 9 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही पर्याप्त होंगे कितनी भी बड़ी गिनती लिखने के लिए। मान लें आपके पास अंक 354 है, सबसे दाईं ओर वाला अंक इकाई दर्शाएगा और 4 होगा, उसके बाईं ओर वाला अंक 5 दाईं यानी 50 दिखाएगा और उसके बाईं ओर वाला अंक 3 सैकड़ यानी 300 को दिखाएगा। वाना चमत्कार। इसी तरह जो ये पोजीशन नंबर सिस्टम, इसकी जो अपनी पावर है, इसी से पावर को समझा गया और इसी के आधार को आगे विकसित किया गया। और जब हम बच्चों को गिनती सिखा रहे होते हैं तो उनको ये लॉजिक पकड़वाना ही सबसे बड़ा हमारा ध्यान में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार 4 और 50 और 300 जुड़ने के बाद 354 संख्या बनेगी और 354 उन्हें दर्शाएगा। किसी भी अंक को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, 18 संख्या 1, 10 और 8 एक दर्शाएगी। 10 और 8 को जोड़ने के बाद 18 संख्या बनेगी। अंक 999 9, 100, 9, 10 और 9 एक दर्शाता है, जिनका जोड़ 999 होता है। इस तरह आप देख रहे होंगे कि हिंदू प्रणाली में आप जितनी चाहें
उतनी बड़ी और ऊंची संख्या तक जा सकते हैं। संख्या 87,235 को अगर आप दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते तो उसका मतलब होता 5, 3, 2, 7 और 8, यानी 5, 1, 3, 10, 2, 100, 7,000, 8, 10,000, उन सबको जोड़ने पर 87,235 का योग आएगा। आप सिर्फ 9 हिंदू अंकों के अलावा और कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं। पर इसमें भी एक समस्या है। मान लीजिए कि आप 2000 और 3 संख्या लिखना चाहते हैं, वो 2000 और 3 का एक योग होगी। इस संख्या में न तो कोई 10 और न ही कोई 100 है, तब इसको कैसे लिखेंगे? अब समस्या इस तरह की आनी शुरू हुई। क्या आप इसे 23 जैसे लिख सकते हैं, यानी 2000 और 3 के एक के लिए हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2000 का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, हो सकता है कि 200 या 10 का प्रतिनिधित्व करता हो। आप चाहें तो 2 और 3 के बीच में 2 रिक्त स्थान छोड़ सकते हैं, जैसे 2-3। अब किसी भी को भी साफ नजर आ जाएगा कि 100 और 10 वाले स्थान रिक्त हैं, इसलिए 2 केवल 1000 के लिए यूज हो सकता है। पर कोई ये कैसे जान सकता है खाली जगह में 2 रिक्त स्थान आएंगे या 1 या 3? इस तरह के डाउट्स आए होंगे सामने। शायद केवल एक ही खाली स्थान हो सकता है वहां पर 3 खाली स्थान हो। इस प्रकार खाली स्थान छोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास कोई ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो दर्शाए 10 का स्थान खाली है या 100 का स्थान रिक्त है। पर रिक्त स्थान को दर्शाने के लिए किस चिन्ह की कल्पना करना एक बहुत मुश्किल काम है। मनुष्य द्वारा अंकों के उपयोग के हजारों साल बाद रिक्त स्थान के लिए एक शून्य के चिन्ह की आवश्यकता एक बहुत मुश्किल सोच है। हमें नहीं पता कि अनंत है इस चिन्ह के बारे में किसने सोचा, शायद कोई हिंदू होगा। हमें यह भी नहीं पता ये कब हुआ, शायद यह चिन्ह 1300 वर्ष पहले खोजा गया हो। आज हम शून्य दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं वो सिर्फ एक गोला है और उसके अंदर कुछ नहीं है। हिंदू उसे शून्य कहते हैं, जिसका मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जरा देखें शून्य कैसे काम करता है। अगर हम 23 लिखना चाहते हैं तो हम उसे 2, 3, 2 and 3 23 लिखते हैं, जिसमें 2 10 और 3 1 होते हैं। अगर हम 203 लिखना चाहते हैं तो 200 कोई भी 10 नहीं और 3 1 होंगे। इसे हम 203 जैसे लिख सकते हैं। 2030 को कैसे लिखेंगे, इसमें 2000, 0, 100, 3, 10 और 0, 1 होंगे। उसे हम 2030 जैसे लिख सकते हैं। 2300 जैसे क्यों लिखा जाता है, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का तर्क आप खुद ही सोच सकते हैं। और फिर 2003 जैसे क्यों लिखा जाता है, सेम लॉजिक चलता जा रहा है। ये लॉजिक समझना ही गिनती सीखना है को समझना है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के हिंदू चिन्ह और उसके साथ साथ शून्य का उपयोग करके किसी भी अंक को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। किसी स्थान पर कौन सा अंक है, इसमें अब किसी को भी कोई अड़चन नहीं आने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू द्वारा ईजाद किए गए अंकों के चिन्ह और उनके साथ शून्य एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब आप कितनी भी बड़ी संख्या को केवल कुछ ही चिन्हों द्वारा लिख सकते थे और आपके लिए आपको 10 से ज्यादा चिन्हों को याद रखने की जरूरत नहीं थी। अब अक्षरों से अंक लिखने और उनसे बने शब्दों की उलझन में फंसने की जरूरत भी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब हिंदू चिन्हों का द्वारा अंकित करना बहुत आसान हो गया था। हिंदू प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से कहीं बेहतर। प्राचीन काल में रोमन या यूनानी अंकों का उपयोग कर गणित का अध्ययन और उसमें भाग देना केवल चंद लोग ही कर पाते थे, परंतु हिंदू प्रणाली के उपयोग से स्कूल जाने वाले साधारण बच्चे भी बहुत आसानी से भाग कर सकते थे। अगर आपको लंबे तरीके से भाग करना मुश्किल लगता है तो जरा एक बार उसे रोमन चिन्हों से करिए, तब आपको उसकी मुश्किलें से आप सच में वाकिफ हो जाओगे। जब एक बार लोगों को हिंदू प्रणाली सरलता का पता चला तो फिर उसके बाद से हिंदू अंकों की प्रणाली दुनिया भर में फैलती चली गई। ईसा के जन्म के 800 वर्ष बाद जब शून्य का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से हिंदू अंक भारत के उत्तर और पश्चिम भागों में तेजी से फैले। इन इलाकों में अरबी बोलने वाले लोग रहते थे। अरबी बोलने वाले लोग उत्तरी अफ्रीका में और स्पेन में भी रहते थे। इससे हिंदू अंक अफ्रीका और स्पेन में भी प्रचार प्रसार हुआ, वहां तक पहुंच गए।
हिंदू जिस चिन्ह को शून्य यानी कुछ नहीं बुलाते उसे अरबी लोग सीफर कहते थे। ईसा के जन्म के 820 वर्ष बाद एक अरबी गणितज्ञ मोहम्मद अल ख्वारिज्मी ने गणित पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उसने अंकगणित में हिंदू अंकों का किस प्रकार उपयोग किया जाए उसके पूरे निर्देश दिए। उसके 100 वर्ष बाद जेरवर्ट नाम के फ्रेंच ने अलग अलग स्थानों से ज्ञान बटोरने में रुचि जागी। उसमें फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी अंधेरे युग में थे। उस समय वहाँ बहुत कम स्कूल थे, लिखने पढ़ने को भी बहुत कम किताबें थीं। उस समय अरबों के अधीन स्पेन ने बहुत प्रगति की। 967 ईसा की मृत्यु के बाद में पहुंचा, उसने वहाँ तमाम पुस्तकों का अरबों में अध्ययन किया। उसे मोहम्मद अल ख्वारिज्मी की पुस्तक भी मिली। इसका सरल और सुविधाजनक प्रणाली को देखकर जेरवर्ट दंग रह गया, आश्चर्य से भर गया। वो उन पुस्तकों को अपने साथ फ्रांस लाया। यूरोप के लोगों ने उन्हें अरबी अंक कहा क्योंकि वो अरबी बोलने वालों के लोगों के यहाँ से लेके आए थे। यूरोप के लोगों को इस बात का नहीं पता था कि असल में वो प्रणाली भारत से आई थी। आज इन अरबी अंकों को 1, 2, 3 के नाम से हम बुलाते हैं, क्योंकि 999 ईसा की मृत्यु के बाद में जेरबर्ट सिल्वेस्टर 2 के नाम से पोप बना, तो फिर क्या यूरोपीय लोगों ने उसकी बात मानी? उन्होंने उसे अनसुना किया। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने अरबी अंकों का उपयोग की सिफारिश की, पर उस समय यूरोप में रोमन अंकों का उपयोग कर रहे थे, तो वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे रोमन अंकों के, तो रोमन अंकों की जटिलता से अवगत थे। उनसे अंकित करना बहुत मुश्किल काम था, पर उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को छोड़ना, अपनी पहचान पे एक दो, अभी भी हम आप देखते होंगे अपनी परंपराओं को कितना मुश्किल होता है, तो तैयार नहीं थे कि ये इजी है, आसान था अंकगणित इनका, अरबी अंकों वाला, हिंदू अरबी अंकों वाला, पर वो रोमन अंक को छोड़ने को तैयार नहीं थे, अपने कल्चर को छोड़ने के लिए उस चिपके रहे उससे। इस तरह 2 शताब्दियां बीत गई। उनके बाद लियोनार्डो फिबोनाची का आगमन हुआ। वो इटली के शहर पीसा में रहते थे। अपने अफ्रीकी दौरे के दौरान उन्होंने हिंदू अंकों की जानकारी हासिल की। 1202 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनमें उन्होंने अरबी अंकों के साथ शून्य के चिन्ह का उपयोग भी किया। उन्होंने अंकगणित में शून्य का महत्वपूर्ण उपयोग भी दिखाया। तब यूरोप अंधेरे युग से उभर रहा था। वहां के लोग अब अधिक समृद्ध और पढ़े लिखे थे। इटली में विशेष तौर पर तमाम व्यापारी थे जिन्हें अपने धंधे के लिए बहुत सारा हिसाब किताब रखना पड़ता था। जब इटालवी व्यापारियों को अरबी अंकों की सहजता और सुविधा का पता चला तो उन्होंने रोमन अंकों का उपयोग त्याग दिया। कब तक परंपराओं को ढूंढते, उन्होंने नई प्रणाली इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अरबी शब्द सिफर का उपयोग किया। उन्होंने सिफर को झेपीरो बुलाया क्योंकि उसका उच्चारण ज्यादा सरल था। झेपीरो शब्द बदलकर झीरो हो गया और यह शून्य के चिन्ह के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे आम शब्द है। इटली से अरबी अंक पूरी यूरोप में फैलने लगे। जिस समय कोलंबस ने अमेरिकी तट पर अपना डेरा डाला उस समय यूरोप के सभी देशों में अरबी अंक उपयोग में लाए जा रहे थे। आज भी हम कभी कभी रोमन अंक का उपयोग में लाते हैं। ध्यान दीजिए, याद कीजिए, देखिए अपने चारों तरफ। पर जब हम कुछ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो, या हम कोई अंकगणित नहीं कर रहे होते हैं तभी, पर जैसे ही हम कुछ अंकगणना कर रहे होते हैं तो अपने हिंदू अरबी अंक को पे आ जाते हैं, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ इस नाम की दूसरी ब्रिटिश महारानी थी इसलिए उन्हें एलिजाबेथ 2 के नाम संबोधित किया जाता था। पोप पोल क्योंकि उसी नाम के छठवें पोप थे इसलिए उनके हम पोप पोल 6 हम बुला सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि केवल यूरोप के देश ही अरबी अंकों का उपयोग करते हैं। पिछली शताब्दी में ये अंक सभी देशों में फैले हैं। दर्जनों अजीबोगरीब भाषाओं में, अलग अलग चिन्हों में, वही पुराने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 मिलेंगे। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ, किसी प्राचीन आदमी ने जानना चाहा कि उसके पास कितनी कुल्हाड़ियाँ हैं और फिर उसने मदद के लिए अपनी उंगलियों पर नज़र डाली, जैसा कि हम पहले पार्ट में देखा था। इन दो सीरीज का पर्पज यही था कि हमें अंगों के बारे में कैसे पता चला, पर जो एक हिस्ट्री है इसका एक ओवरव्यू हम बना सकें। तो पहले पार्ट में हमने विभिन्न सभ्यताओं में अंकों का क्रमिक विकास देखा और इस पार्ट में हमने देखा किस तरह ये जो हिंदू अरबी अंक हैं आए और हमारे प्रचलन में गड़े गए, फैलते चले गए। इन पर और आगे कैसा हिस्ट्री रही है, मैथ कैसे विकास हुआ है, उस पर हम जल्दी अपनी वीडियो बनाने वाले हैं। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, वीडियो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन और इस पर ऑल पे ऑन कर लेना जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप गणित के, इतिहास के किस पोर्शन पर जल्दी वीडियो चाहते हैं, उसी पर हम
जल्दी आपकी अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी उस वाले टॉपिक पर हम वीडियो बना लें। कमेंट्स काम करने की प्रेरणा को बढ़ाते हैं, तो इसमें कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए और लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।